हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन हिंदी में। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन किया गया है। देश के हर छोटे बड़े शहर से लेकर हर गांव में लॉकडाउन लागू है। लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एकमात्र तरीका है और वो है घरों में रहे और लोगों से दूरी बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 24 मार्च रात 12 बजे से लेकर 14 अप्रैल रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोरोना वायरस के मामले कम नहीं हुए तो क्या ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है? आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसे खुद को और अपने परिवार को बचाना है तो दूरी बनाकर रखना पड़ेगा। अभी सिर्फ 14 अप्रैल तक के लिए ये कदम उठाया गया है, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां बताएंगी कि लॉकडाउन खत्म होगा या आगे भी जारी रहेगा। इससे पहले भी मोदी ने एक दिन से जनता कर्फ्यू लगाया था, जो काफी सफल हुआ था। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस वायरस से छुटकारा मिलेगा और हम सभी की जिंदगी नॉर्मल होगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन करें। दिए हुए निर्देश हम सही से समझें और उसको पालन करें। घर में रहें, दूसरों को घर में रहने के लिए कहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए कोई भी प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑल इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी अब तक पहुँचती रहे।